हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिस दैट दिस और दोस का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, आप जब भी बच्चे को ये जो दिस दैट दिस और दोस का जो यूज़ सिखाए, उसके पहले आपको क्या करना है, बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल के जो कंसेप्ट है वो बच्चे को सिखाना। देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्यूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। इसकी इंफॉर्मेशन हमें बच्चे को पहले देनी है, उसके बाद ही हमें बच्चे को ये जो दिस और दैट का जो यूज़ है वो हमें बच्चे को सिखाना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए सिंपल मैं आपको डेफिनेशन दूँ तो दिस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास में होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस का, और जो भी चीज़ हमारी दूर होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का। तो देखिए इस तरह से, दिस इज माई बुक। देखिए यहाँ पे एक ही बुक है, वो भी कहाँ पे है, हमारे पास में है, मतलब सिंगुलर है और पास में है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यूज़ करेंगे दिस का। उसके बाद दैट का यूज़ कहाँ पे होता है, दैट इज़ माय पेंसिल। देखिए वन पेंसिल है, मतलब सिंगुलर है, और वो भी कहाँ पे है, दूर है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़। ये जो बुक है वो हमारी क्या थी, पास में थी, और ये जो पेंसिल है वो कहाँ पे है, दूर है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। बस इसी तरह जो प्यूरल है जिसमें दोस का दिस का यूज़ कहाँ पे होता है और दोस का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए किस तरह से, दोस आर बुक्स। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लगाया है, एस, एक से ज़्यादा बुक्स है तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, एस, तो क्या लगाया मैंने, एस, और एक से ज़्यादा बुक्स है मतलब क्या हुआ, प्यूरल, वन टू थ्री, थ्री बुक्स है तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोज आर बुक्स। बुक्स है वो भी हमारे कहाँ पे है, पास में है, और कितनी है, एक से ज़्यादा है, मतलब क्या है, प्यूरल है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करेंगे, दिस का। उसके बाद दोज का यूज़ कहाँ पे होता है, दोज आर बॉल्स। देखिए यहाँ पे भी एक से क्या है, ज़्यादा बॉल्स हैं, मतलब क्या है, प्यूरल है, तो हम उसके भी लिए क्या यूज़ करेंगे, दोस, जो चीज़ हमारे क्या है, पास है कि दूर है, दूर है, और एक से क्या है, ज़्यादा है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दोस का। बस आपको इसी तरह बच्चे को ये जो चार्ट मैंने बनाया है, आप भी इस तरह से चार्ट बना के आप सिंपली बच्चे को ये जो फोर एक्सप्लेनेशन है वो आप बच्चे को सिखाना है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिस और दैट का जो यूज़ है वो ब्लैंक्स में किस तरह से हमें करना है। देखिए फर्स्ट जो है, दिस और दैट का यूज़ करना है, कंप्लीट सेंटेंस विथ दिस और दैट। ये जो ब्लैंक्स है, देखिए यूकेजी और एलकेजी के बच्चे को ये जो ब्लैंक्स है एग्जाम्स में फिल करनी होती है। देखिए दिस का यूज़ कहाँ पे होता है और दैट का यूज़ कहाँ पे होता है, इज अ बुक। देखिए एक ही बुक है, वो भी क्या है, पास है कि दूर है, मतलब दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस और दैट के यूज़ करेंगे, दैट, दैट इज अ बुक। उसके बाद दिस इज बैग, बैग भी है वो भी क्या है, दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, दैट इज अ बैग। इज अ इरेजर, इरेजर है जो क्या है, हमारे पास में है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, दिस का यूज़ करना है। उसके बाद फ़ोन नंबर की जो ब्लैंक्स है, इज अ लैपटॉप, लैपटॉप है पर क्या है, हमारे दूर है कि पास में है, दूर है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट, दैट इज अ लैपटॉप। एंड द नेक्स्ट
फाइव नंबर ब्लैंक्स इज अ नोटबुक. नोट भी नोटबुक है जो हमारी क्या है पास में है. तो पास में है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस और दैट. दिस दिस इज अ नोटबुक. सिक्स नंबर की जो ब्लैंक्स है वो क्या है, इज अ पेंसिल. पेंसिल जो है वो क्या है हमारी, दूर है. तो दूर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट का यूज करेंगे, दैट इज अ पेंसिल. बस आपको इसी तरह से बच्चे को ये जो ब्लैंक्स है वो फिल करने देनी है. उसके बाद बच्चे को किस तरह से हमें फिल कराना है, दिस और दोज की जो ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दोज का यूज करना है. किस तरह से, फर्स्ट जो ब्लैंक्स है आर बॉल्स. देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया है, एस. एक से ज्यादा बॉल्स है, वो भी क्या है, दूर है कि पास है, दूर है. तो दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे, धोस. धोस आर बॉल्स. एंड द नेक्स्ट ब्लैंक्स इज ब्लैंक्स आर एप्पल. एप्पल्स है, उसके लिए एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, एस, मतलब प्यूरल. आर एप्पल्स. एप्पल्स है, वो भी क्या है हमारी, दूर है कि पास में है, पास में है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस. दिस आर एप्पल्स. एंड द नेक्स्ट आर बुक्स. बुक्स जो है उसमें भी क्या आता है, एस, एक से ज्यादा है. बुक्स, वो भी क्या है हमारी, पास में ही है. तो हम उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, दिस आर बुक्स. उसके बाद अनदर ब्लैंक्स इज आर पेंस. पेंस जो है वो भी एक से क्या है, ज्यादा है. तो हम उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, पेंस. तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो पेंस है वो क्या है, पास में है कि दूर है, दूर में है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, धोस का. बस आपको इसी तरह से बच्चे को क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करानी है. अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.